नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा दफ्तर में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा। लगातार हम काफ़ी समय से पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, आपको वो फैक्ट्स दिखा रहे हैं, रियल फैक्ट्स दिखा रहे हैं, उन लोगों से मिलवा रहे हैं जो अब तक डेरा सच्चा सौदा में लगातार आ रहे हैं, और जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की जुबानी क्या कहते हैं वो गुरु जी के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? कोमल। मैम कितना टाइम हो गया आपको गुरु जी से जुड़े हुए? 23 साल हो गए। 23 साल मैडम जी, जो पिछले 3 वर्षों में हुआ क्या आपने नहीं देखा? जी देखा है। तो आपको क्या लगता है सच क्या है? सच जो मीडिया ने दिखाया या? नहीं, वो कुछ भी सच नहीं है, झूठ है। तो 23 सालों से आप जुड़े हुए हैं, आप एक महिला है, मीडिया में दिखाया गया था बहुत कुछ गलत होता है, आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ? नहीं, हमारे साथ कुछ। क्या आपने कुछ गलत देखा? नहीं, हमारी तो बल्कि शादी भी यहाँ पे हुई है, इस समय हुई है शादी भी। मैंने नाम लिया था पहले हम कहीं और जाते थे, सरसा से नाम लिया और हमारी शादी यहाँ पे हुई। हमने तो, हमारे बच्चों ने भी यहीं से 5-5 साल के हो हुए हैं, तभी से उनको नाम दिला रखा है। तो जो मीडिया में दिखाया गया उस बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो सरासर झूठ है, बिल्कुल। आखिर ऐसा क्या किया है गुरु जी ने समाज के लिए जो आप तक आप उनसे जुड़े हुए हैं? समाज के लिए जो 134 कार्य चलाए जा रहे हैं, क्या आप लोग करते हैं? जी हाँ, हम करते हैं। क्या अभी भी आप जुड़े रहेंगे गुरु जी से? सारी उम्र जुड़े रहेंगे हम तो, हमें गुरु जी पर पूरा विश्वास है। क्या आपको लगता है आज भी समाज को गुरु जी की जरूरत है? हाँ है, जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि उन्हें गुरु जी को आना चाहिए? नहीं क्या? हाँ, सरकार को कहना चाहेंगे गुरु जी को आना चाहिए, वो ही सब कुछ आकर ठीक कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल, हम आपको और ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो लगातार पर्सनली गुरु जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप खुद देखिए, 23 सालों का एक्सपीरियंस है, जो 23 सालों से अब तक, आप खुद सोचिए सच क्या है वो जो कभी आए या जो 23 सालों से अब तक आ रहे हैं। देखते रहिए हमारा चैनल।